दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 से 27 जनवरी 2019 तक की इन 8 बड़ी भर्तियों के फॉर्म जरूर भर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या आपको इनके लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा, क्या सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है, कैसे आप इन अलग अलग 8 ऑर्गेनाइजेशन की भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है CISF में। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, हेड कॉन्स्टेबल की यहाँ पर पोस्ट है, टोटल 429 वैकेंसीज है। बात अगर सैलरी की जाए तो 25,500 से 81,100 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर देख सकते हो। डायरेक्ट मेल के लिए UR कैटेगरी के लिए 167 वैकेंसीज है, OBC के लिए 88 है, SC के लिए 49 है, ST के लिए 24 है। टोटल 328 पद खाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल के लिए 21 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 9 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2। कुल मिलाकर 37 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। LDC के माध्यम से भी यहाँ पर भर्ती होगी। 34 UR कैटेगरी के लिए पद खाली है, OBC के लिए 17 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4। तो कुल मिलाकर 64 पद खाली है। टोटल 222 यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। OBC के लिए 114 पद है, SC के लिए 63 पद है, ST के लिए यहाँ पर 30 पद है। टोटल 429 पद खाली है इस भर्ती के लिए पूरे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो इंटरमीडिएट यानी के 12वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 22 फरवरी 2019 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आयु में छूट की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 5 साल की छूट SC ST कैंडिडेट्स के लिए है और 3 साल की छूट OBC कैंडिडेट्स के लिए है। बात अगर फिजिकल की जाए तो यहाँ पर पूरा फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ST कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हो, मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82। फीमेल के लिए भी देख सकते हो, हाइट ओनली यहाँ पर हाइट दी गई है 155 सेंटीमीटर, यहाँ पर चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ST कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हो, यहाँ पर हाइट 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट 76 से यहाँ पर 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। और फीमेल के लिए ओनली हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर है। जो बाकी की कैंडिडेट्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, उनके लिए यहाँ पर हाइट और चेस्ट में छूट भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ से चेक कर सकते हो। मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट बिना फुलाए 77 फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वेट, आई साइट और साथ ही साथ आवेदन शुल्क ₹100 आपको जनरल या OBC को जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, SBI चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थ्रू चालान से जमा करा सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन की बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात डेट की जाए तो 21 जनवरी 2019 यानी कि आज ही से आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 फरवरी 2019 है। शाम 5 बजे तक आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 फरवरी है। तो दोस्तों अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस भर्ती से मैच करती है या फिर आप इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस पेज के एंड में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब दी गई है। इस टैब पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी दी गई है। इस टैब पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों ये इसकी PDF है, आप यहाँ से पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में, यांत्रिक की यहाँ पर भर्ती निकली है। पूरी डिटेल्स हम आपको स्टेप्स में दिखा रहे हैं। यांत्रिक डिप्लोमा एंट्री के लिए 2/2019 बैच है, इसके लिए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं या इसके बराबर और डिप्लोमा होना अनिवार्य है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या पावर इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो 60% यहाँ पर अंकों के साथ। एज लिमिट 18 से 22 वर्ष है, यानी कि बोर्न ऑफ बिटवीन 1 अगस्त 1997 से 31 जुलाई 2001 के बीच में जन्म होना अनिवार्य है। सैलरी की बात की जाए तो 29,200 लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। बात अगर आवेदन शुल्क की जाए तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के माध्यम से।
ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in, इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की भर्ती है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट भी आप देख सकते हो, 11 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहीं से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन भी आप यहीं से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नवोदय विद्यालय समिति में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो, टीचर TGT PGT प्रिंसिपल ग्रुप ए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए, असिस्टेंट ग्रुप सी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर पद खाली है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। बात अगर आयु सीमा की जाए तो प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम आयु 50 वर्ष है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 45 वर्ष है, असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कम से कम 18 और अधिकतम आयु 30 वर्ष है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। बात अगर सैलरी की जाए तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर लेवल 12 के अंतर्गत 78,800 से 209,200 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लेवल 11 के अंतर्गत 67,700 से 208,700 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 112,000 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी पर मंथ के लिए लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से 151,100 पर मंथ के लिए सैलरी दी जाएगी। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ₹1,500 आवेदन शुल्क है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी 1,500 है, PGT के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है, असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ₹800 है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी ₹800 ही है। फीस आप देख सकते हो यहाँ पर SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट्स को जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की भर्ती है, कहीं से भी मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 14 फरवरी 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस जमा करने की स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2019 थी, लास्ट डेट 15 फरवरी 2019 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 10 मार्च 2019 से। एग्जाम की डेट यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट वीक ऑफ मार्च 2019 यहाँ पर टेंटेटिव डेट यहाँ पर घोषित की गई है। साथ ही साथ आप यहीं से नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन भी डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस में। 5,805 यहाँ पर पद खाली है जेल वार्डर, फायरमैन और हॉर्स राइडर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जेल वार्डर के लिए 3,638 पद है, 3,012 मेल के लिए, फीमेल के लिए 626 पद है, फायरमैन के लिए 2,065 पद है, हॉर्स राइडर के लिए 102 पद है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं क्लास पास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा जेल वार्डर के लिए 18 से 22 वर्ष मेल के लिए है और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष है, फायरमैन के लिए 18 से 22 और हॉर्स राइडर के लिए भी 18 से 22 है। सैलरी की बात की जाए तो जेल वार्डर के लिए या सभी पोस्ट यहाँ पर दी गई, सभी के लिए 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। रिटर्न टेस्ट और PST के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो ₹400 यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क है। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान के माध्यम से भी जमा करा सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 जनवरी 2019 थी, लास्ट डेट 9 फरवरी 2019 है, फीस जमा करने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, PRPB.gov.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक्स का यहीं पर सेक्शन दिया गया है। पोस्ट वाइज आप सभी के यहीं से नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए भी यहीं पर लिंक दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है MSRTC में, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर कम कंडक्टर के लिए 4,416 पद खाली है। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं क्लास पास, साथ में यहां पर देख सकते हो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 24 से 38 वर्ष है। आयु की गणना 14 जनवरी 2019 से की जाएगी। बात अगर सैलरी की जाए तो 14,513 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुल्क ओपन कैटेगरी के लिए ₹600 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 है और फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और चालान के माध्यम से पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट है MSRTCExam.in। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 जनवरी 2019 थी और लास्ट डेट 8 फरवरी 2019 है। फी जमा करने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2019 है और साथ ही साथ दोस्तों यहीं से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन भी यहीं से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर 900 पद खाली है। सैलरी 5,200 से 20,200 दी जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 12वीं क्लास है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है।
फीस यहाँ पर देख सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए ₹500 है, अदर कैटेगरी के लिए ₹320 है। ई एक्स सर्विसमैन को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो maforest.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जनवरी 2019 थी, लास्ट डेट 3 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। जेएसएससी रिक्रूटमेंट जो 7 नंबर पर निकली है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 1500 से ज्यादा पद खाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए 2 नोटिस अलग अलग जारी हुए हैं, पूरा आप रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। 10वीं और 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 और 19 से 25 वर्ष है। जॉब लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो झारखंड में है। सैलरी 5200 से 20200। आवेदन शुल्क जनरल या ओबीसी के लिए ₹800 है। SC/ST जो झारखंड के उनके लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। फीस की बात की जाए तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हो। रिटर्न टेस्ट और फिजिकल के माध्यम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो JSSC.NIC.in पोर्टल से। और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हो 9 और 18 फरवरी 2019 अलग अलग के लिए यहाँ पर डेट घोषित की गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिल जाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट निकली है इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट की, 2641 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 35400 से 1,12,400 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 17 से 42 वर्ष है। आवेदन शुल्क यूआर कैटेगरी के लिए 150 है, जो हरियाणा के फीमेल है उनके लिए ₹75 है। एससी या बीसी मेल जो हरियाणा के उनके लिए ₹35 है। एससी बीसी फीमेल जो हरियाणा के उनके लिए ₹18 है। फीस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा सकते हो। रिटर्न टेस्ट या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन कर सकते हो HSSC.gov.in, इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन हरियाणा में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 जनवरी से इस पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 के लिए और लास्ट डेट 4 फरवरी 2019 है। यहाँ पर फी जमा करने की लास्ट डेट भी देख सकते हो 7 फरवरी 2019 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 के लिए लास्ट डेट 11 फरवरी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 के लिए यहाँ पर 18 फरवरी 2019 लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहीं पर 5, 6, 7 यहाँ तीनों नोटिफिकेशन के यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ से इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी यहाँ पर दी गई है। इस टैब पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन 8 बड़ी भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको इन 8 बड़ी भर्तियों के अलग अलग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और इन पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से आप इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।